ऐसा व्यू पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा आपको जैसे अपना गांव में मिलता है। और ये है जो गुरियाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो मंदिर का व्यू और ये शानदार, ये देखिए ऊपर प्लेग्राउंड है। ये पहले यहाँ पे गढ़वाल कप का आयोजन किया जाता था। भाई लोग ये चेक कर सकते हो अपना गांव, ये चेक करिए भाई अल्टीमेट व्यू, ये सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से अपने गाँव का, ये चेक करिए भाई, ये चेक करिए भाई, ये नज़ारा कुछ बनता ही है। ऐसा व्यू पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा आपको जैसे अपना गांव में मिलता है। तो इसका दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और अभी हम आए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, चाचा जी दोनों चाचा, और ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है चाचा जी। बढ़िया बढ़िया मॉर्निंग वॉक पे आ रखे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहे हैं, एसी चल रहा है, एसी बढ़िया वाली ठंडी हवा चल रही है, देखो मज़े ले रहे हैं आनंद। कुछ कहना चाहते हो? बढ़िया एसी चल रहा है, सब्सक्राइब चल रहा है, शुद्ध हवा आ रही है, शुद्ध हवा। और हाँ बस बढ़िया आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अभी आगे तक जाएंगे सीधे अपने इधर जो नीचे हमारा महादेव पड़ता है ना पटोटी, वहाँ तक चलेंगे और वहाँ से घूम के आएंगे 2-3 किलोमीटर। और ये बाकी पीछे का व्यू चेक कर सकते हो, चेकआउट ये देखिए हमारे गांव का पीछे, एक चेक करिए। और चलते रहिए, अभी बने रहिए, दिखाएंगे आपको जैसे जैसे आगे चलते रहे। रोडो बन गई हमारे गाँव की, और ये चेक कर सकते हो, रोड वगैरह अभी एक आध दिन पहले ही हुआ था इस पर, अभी भी बोलना है और अभी भी काम चालू है। ये खाली ऐसी लगा रखा है, ये कुछ टाइम का है दिखाने के लिए कर रखा है। और ये चेक करिए पीछे का नज़ारा, तो मिलते हैं आपको थोड़ा आगे का दिखाएंगे। ये चेक कर सकते हो आप, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये पूरा गडरी गांव, ये बहुत बड़ी खासियत है इस गांव की। अगर बात की जाए तो हमारा जो पलायन चल रहा है ना आजकल पौड़ी में, जो ज़्यादातर पलायन हो रहा है, लेकिन एक बात इस गांव की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर पलायन जो है वो 0% है। ये बहुत बड़ी खासियत है भाई, बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं यहीं पर रहते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जाते। ये देखो सारे मकान आपको दिख रहा है चालू होंगे यहाँ पर, जैसे हमारा गांव है तो हमारे गांव में बहुत बड़ा प्लान है। और यहां पे खेती देख सकते हो आप, उधर खेती भी बहुत बढ़िया है, यहां पे खेती वगैरह चालू है, ये चेक कर सकते हो दोनों साइड की खेतियां। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, प्लान आजकल के टाइम पे यहां पे 0% प्लान है, यहां पे लोग घरों पे ही रहते हैं, ये चेक करिए भाई। तो मिलते हैं आपको आगे का, ये आगे चलना है हमने, वहाँ पे नीचे महादेव है हमारे यहाँ, वहाँ तक घूम के आते हैं और आपको भी दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहे। तो ये चेक कर सकते हो आप भाई लोग, ये है गुरियाल, ये इसकी जो ये है ना, इसका टेस्टी वाली सब्जी बनती है। गुलाल के जो फूल है ना, इसके अंदर एक छोटे छोटे ऐसे लंबे से एक बीज से होते हैं, उनकी जो है ना बहुत ही टेस्टी। ये देखिए लाजवाब, ये बहुत शानदार, आप देख सकते हो नज़ारा गुरियाल का। और ये है जो गुरियाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो कभी इस टाइम मिले तो ज़रूर इसका इसको लेके आना और इसकी सब्जी बनाना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी होती है गुरियाल की। जो एक फूल होते हैं, फूल के अंदर एक लंबी लंबी इसने टहनियाँ सी होती है, उसकी क्या होती है सब्जी होती है। तो आप चेक कर सकते हो भाई नज़ारा शानदार, ये चेक करिए भाई व्यू, क्या अल्टीमेट व्यू है। और ये साथ में गुरियाल, और इधर सामने चेक कर सकते हो आप गडरी गांव, बहुत ही बड़ा गांव है ये हमारा, नज़दीक है पड़ोसी गांव। तो चले बने, ये चेक करिए भाई गडरी गांव, शानदार व्यू, ये है गडरी गांव का स्वागतम। और ये ऊपर चेक कर सकते हो, ऊपर 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 जाके ऊपर हमारा जो मेन पड़ता है बरसुन देवता मंदिर, ऊपर जाके चोटी में। और भाई लोग ये चेक कर सकते हो, ये है गडरी गांव का, यहाँ पे बहुत ही जो है क्रिकेट ग्राउंड भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैच वगैरह होते हैं। और चेक कर सकते हो, ये चेक करिए भाई, प्लेग्राउंड है ये गडरी गांव का, ये हमारे इधर यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट वगैरह खेला जाता है। तो ये चेक कर सकते हो, यहीं पर ग्राउंड है ये, सामने नज़दीक ले जाता हूँ आपको, ये नज़दीकी है जो है ना, यहाँ पर मैच होते हैं, यहाँ पर जैसे भी सीजनल जो चलता रहता है वहाँ पर, बहुत बड़े प्लेग्राउंड है ये। पहले यहाँ पे गढ़वाल कप का आयोजन किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे अब का टाइम ऐसा हो गया ना, जैसे जैसे अब लोग प्लान वगैरह होता जा रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे अब क्या हो गया, बंद हो गया ना। तो पहले बहुत बड़े टूर्नामेंट होते थे यहाँ पे। ये चेक करिए भाई, ये चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो नज़ारा, ये देखिए, ये देखिए, ये चेक करिए, ये चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये पूरा जो लोकेशन में ये छोटा सा एक गाँव दिख रहा है, बहुत ही प्यारा गाँव, और ये है गडरी गाँव। और इसके जस्ट यहाँ पे नीचे जो है ना, यहाँ पे हमारा महादेव है, पटोटी का महादेव कहते हैं इसे, यहाँ पे महादेव है। तो अभी चलते हैं वहीं पे और दिखाते हैं बाकी। ये ऊपर चेक कर सकते हो पटोटी गांव, और बाकी ये है ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से। तो चले चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा नीचे पटोटी महादेव में।
हेलो भाई लोग, ये चेक कर सकते हो आगे, ये है हमारे यहाँ का पटोटी महादेव। और ये चेक करिए भाई आगे का, ये हमारा बहुत बड़ा पुराना महादेव। यहाँ पे पहले यहाँ पे एक कौथिक भी होता था, पटोटी का कौथिक भी होता है। अभी आने वाला है ये सीजन, जैसे कि अप्रैल चल रहा है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे मेला होगा। तो ये चेक कर सकते हो भाई, ये चेक करिए ये महादेव। और यहाँ पे अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे मेला जो है, मेला होता है, तो मेला भी होगा। पहले तो बहुत बड़े मेले होते थे, जैसे आप जानते होंगे कि जब तक यहाँ पे लोग रहते थे तो काफ़ी बड़े मेले होते थे। लेकिन अब जैसे पलायन वगैरह हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या हो चुका है कि अब लोग कम आते हैं और भीड़ वगैरह भी नहीं होती ज़्यादा। तो ये चेक करिए भाई, और ये चेक करिए बाकी नज़ारा। ये ऊपर देख सकते हो आप, ये स्कूल है यहाँ पे पटोटी की, और ऊपर गांव है। और इधर की साइड अगर ले चलूँ आपको, तो इधर की साइड ये ऊपर गौखंड गांव है। तो चलो आप सीधे चलते यार मंदिर की साइड। चेक करिए भाई, ये है अपना महादेव पटोटी का। और अभी यहाँ पे ये चेक करिए, यहाँ पे चाचा लोग पहुँच चुके हैं। और ये चेक करिए ये मंदिर। और अभी यहाँ आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे मेला भी होता है, तो अभी मेला वगैरह भी होगा। तो ये चेक करिए मंदिर का व्यू, और ये शानदार, ये देखिए ऊपर बहुत ही, ये पीपल का पेड़ है। और ये चेक करिए बहुत बड़ा। और बाकी ये आगे चाचा, और ये चेक कर सकते हो आप ऊपर, ये घर है। और यहाँ ऊपर जाके आपका क्या है, पटोटी गांव पड़ता है। तो चेक कर सकते हो, ये है पटोटी महादेव। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही, यहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत पुराना ये, यहाँ पे देखो पानी ऐसे चलता रहता है। ये चेक करिए भाई, मज़ा आ जाता है इस पानी में ना, हाथ मुँह धोने में अलग ही मज़ा है यहाँ का, जो फील गांव में आता है ना भाई। इस पानी में जो चेक कर सकते हो, इस पानी में जो आप ना एक बूंद अपना मुंह में डाल लोगे ना, मतलब चेहरे पे, तो आप पूरी फ्रेशनेस, सुबह सुबह का जो पूरी थकान होती है ना दिन भर की भाई, वो ना पूरी दूर हो जाती है। तो अभी थोड़ा मुँह वगैरह धोते हैं और अभी मिलते हैं आपको, तो चले बने रहिए आप। चेक कर सकते हो, यहाँ पर कोहरा लगा दिया भाई ने। और भाई कैसा चल रहा, काम बढ़िया हो रहा है ना, पेंटिंग पुंटिंग बढ़िया हो रही है ना, ऊपर ऊपर तो नहीं लगा रहे मसाला, टाइम पास तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है। और ये मैं रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको, ये चेक कर सकते हो।